फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी और देखने में बहुत ही सुंदर एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं इसे फ्रेश क्रीम और ब्रेड के साथ बनाऊंगी। इसके लिए हमें गैस की भी जरूरत नहीं होती और ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और स्पेशली यूथ को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। वैलेंटाइन डे पर एक स्पेशल लेकिन बहुत ही इजी डेजर्ट बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये नॉर्मल व्हाइट ब्रेड। सबसे पहले हम एक कुकीज कटर लेकर इसको वैलेंटाइन डे स्पेशल यानी कि हार्ट शेप में कट कर लेंगे। बस इस तरीके से एक और शेप निकल आएगी। और इसी तरीके से मैं ये सारी ब्रेडें कट कर लूंगी। ये ब्रेड को मैंने हार्ट शेप में कट कर लिया है। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर मैंने आधी छोटी कटोरी पानी डाल दिया है और इस पानी में मैंने एक टेबल स्पून भरकर पाउडर शुगर डाल दिया है। ये नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है और हमें इसका बहुत हल्का ही सिरप तैयार करना है, इसमें बहुत ज्यादा चीनी ना डालें। और सिरप हमारा तैयार है। इसके बाद हम एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे, इसे डिप करेंगे और तुरंत ही इसे हम निचोड़ देंगे। हमें इसमें से एक्स्ट्रा सिरप निकालना है, इसमें हमें बहुत ज्यादा सिरप की जरूरत नहीं है। और बस इसी तरीके से मैं ये सारी ब्रेड तैयार कर लूंगी। ये सारे ब्रेड मैंने शुगर सिरप पे करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें जरूरत होगी व्हीप्ड क्रीम की और इस क्रीम को मैंने व्हीप्ड कर लिया है। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी है। और इसके बाद में हम एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे और जो हमने क्रीम तैयार करके रखी है, जैसे कि हम इस पर केक पे लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। ये सभी ब्रेड स्लाइस को मैंने अच्छे से क्रीम से कोट कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं या आप चॉकलेट सिरप ले सकते हैं। मैंने चॉकलेट स्प्रेड को एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। और इसके बाद आप इस पर अपनी मनपसंद कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आप जो भी इजीली बना पाए। मैंने सभी ब्रेडों पर बस रफली इसी तरीके से डिजाइन बना लिया है। वैसे तो ये इस समय भी खाने में बहुत ही टेस्टी है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हम वैलेंटाइन डे के इसलिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, इसलिए हम इस पे थोड़ी सी ये शुगर की गोलियां लगा देंगे जिससे इसका लुक और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वैलेंटाइन डे पर मुंह मीठा करने के लिए ये बहुत ही सिंपल पर बहुत ही टेस्टी हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है और बनाने में समय भी बिल्कुल नहीं लगता। और फीडबैक में मुझे बताएं कि आपका ये बहुत ही इजी डेजर्ट कैसा बनके तैयार हुआ। तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।